अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं हूँ एजाज सियाल और आप देख रहे हैं सियाल एजाज में लोग। तो आज का जो हमारी टिप्स है, जो मालूमात है, जो फार्मूला है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है तभी आपको बात समझ में आएगी। असल में दुआ भी करना, क्योंकि तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। ये भी बड़ी मुश्किल से जो कि मैं आके यहाँ पर टेक लगा के बैठा हूँ। अगर सही बुलाई ना भी कर सकूँ तो भी आपने इसको नज़रअंदाज करना है, आपने वीडियो को वॉच करना है। ये अभी जो गर्मी आ गई है, दो तीन जो टिप्स आपको आज वाली इस वीडियो में मैं दूंगा, इंशाल्लाह आपने अगर अमल किया, पूरी बात सही से सुनी, समझी, गौर किया तो काफ़ी जो है सो आपकी हेल्प हो जाएगी। आपके बर्ड्स जो हैं सेटिंग में आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो मौसम सीज़न कच्चा पक्का है। अभी इस वक्त है तकरीबन 3 बज रहे हैं तो सख्त गर्मी है। सुबह नींद से उठे थे तो बहुत यानी सर्दी थी, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। रात भी सर्दी थी, कल परसों से हवा चल रही है तो तितर सुस्त हो चुके हैं। ऐसी हवा में, ऐसी मौसम में तितरों को क्या होता है कि एक तो तितर सुस्ती कर जाते हैं, बुलाई नहीं करते, या लकवा या फालिज हो जाता है। एक बात तो ये, दूसरी इंतहाई ज़रूरी बात ये कि काफ़ी दोस्त कहते हैं यार हमारा तितर बुलाई भी करता है, मस्ती भी करता है, पर वो कमज़ोर है। कुछ दोस्तों का शिकायत है कि हमारे तितर जो है सफ़ेद बीट और छोटी बीट जैसे चिड़िया की होती है ऐसी मार रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने तितरों को तकरीबन जिस दिन हवा लगती है तो उसे दिन छोड़ के बाकी जो दिन हैं तितरों को ठंडी मट्टी दे, कोशिश करें कि डेली दे। ठीक है, दूसरी बात है दिन में तूरी, खीरा, टिंडा, कद्दू, टमाटर, सेब, इन चीज़ों का बाकायदगी से अपने तितरों को टेस्ट कराएं, डेली खिलाएं। थोड़ा जहाँ हरी मिर्च का पत्ता या अंदर के बीज जो हैं वो भी डाल दिया करें, तितरों का जो है मैदा सेट रहेगा। कुछ तितर साबित दाना मारते हैं, उन कुछ दोस्त ने आज कहा मेरा तितर साबित दाना मार रहा है, तो एक दोस्त को भाई सब्जी ज़्यादा दें, दूसरी बात है ग्राई वाटर का पानी पिलाएं, सही होगा। और एक चुटकी इस पगोर का छिलका साथ में गंदम के आटे में मल के, चौथा हिस्सा जो है फ्लेजल टेबलेट का अपने बर्ड्स को दें, 2-4 दिनों में सेट हो जाएगा। पिस्ता बादाम बिल्कुल अपने महीना पूरा नहीं डालने, इंशाल्लाह तितर सेटिंग में आएंगे। और जो तितर जिन दोस्तों के तितर कमज़ोर हैं, मोटे नहीं हो रहे, चुस्ती नहीं कर रहे, सुस्ती कर रहे हैं, हरे भरे या ताज़ा नहीं हो रहे, फ्रेश नहीं हो रहे, तो वो दोस्त रात को बिना गंदम नमक वाली रोटी बनाए, गंदम की देसी आटे की, और उस रोटी को बिल्कुल बारीकी से मल के भोर के आधी कटोरी दूध में डुबो दे, आधा घंटा घंटा बिल्कुल गल जाए, अपने परिंदों को दे। एक तो तितर बीट अच्छी करेंगे, उनका मादा सेट होगा, और तितर जो है सो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मोटे होंगे। आपका 5 रुपया भी किसी भी चीज़ में मैं समझता हूँ खर्चा नहीं होगा। हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है, हर चीज़ हम घर में लाते हैं, सब्जी लाते हैं, आटा होता है, दूध होता है। इस पकौड़ का छोका जो 10 रुपए की साँचे ले आए, ये कुछ मालूमातें थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपका दिल करे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, अगर दिल ना करे तो आपकी मर्ज़ी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।